वेलकम टू जीरो से जीनियस तक। इस क्विज टेस्ट में आपसे भारत में मुगल वंश से संबंधित अति महत्वपूर्ण 7 प्रश्न पूछेंगे और उसका जवाब देंगे। काफी इंपॉर्टेंट है, चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? इसके लिए ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इसके सही जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और आपको आंसर सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय। ज्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। तो समय स्टार्ट होता है अब। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बाबर। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। आगे सवाल नंबर 2, चौसा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब और शेरशाह के बीच लड़ा गया था चौसा का युद्ध। ओके, आगे सवाल नंबर 3, बादशाहनामा पुस्तक किसने लिखी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल हमीद लाहौरी ने। आगे सवाल नंबर 4, दादा शिकोह किसका पुत्र था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां। आगे सवाल नंबर 5, खानवा और घांगरा का युद्ध किस मुगल शासक ने लड़ा था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बाबर। खानवा और घांगरा का युद्ध बाबर ने लड़ा था। आगे सवाल नंबर 6, सुलह कुल की नीति किसने अपनाई थी? इसका सही जवाब होगा सुलह कुल की नीति अकबर ने अपनाया था। आप अगर चैनल कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो कर सकते हैं। धन्यवाद। यहाँ आपके सब्सक्राइब करते बेल आइकन को जरूर बजा दीजिएगा। आगे सवाल नंबर 7, और इतिहासकारों ने राष्ट्रीय सम्राट का दर्जा किसे दिया था? काफी बार आपके एग्जाम में ये सवाल पूछ चुका है, पूछते आएगा, कभी भी पूछ सकता है। इस वीडियो के 7 प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अकबर। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो छोटा है बट बहुत काम का है पसंद आया होगा। लाइक कीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप में अपने दोस्त लोगों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।